जाति की है तो हम लोग कोड़ी से हीन मानते हैं, इसीलिए आप ये तुम्हें पता होना चाहिए किस रूप में भगवान आते हैं। अब इतना जानते तो हम यही काम करते। ए, ए हमारे प्यारे जीजा जी नाराज क्यों है हमसे, प्लीज मान बताइए। हमार साली है देखिए, भोर होए वाला आई फ्रेंड पे लगा ले वो यहाँ से सोच ली है। आज दुखा बाबू आया लखनारी। कौन है ये, कौन है यार, इसको पहचानते हैं आप लोग? सुनिए कहिए ना, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हमसे? हाँ आपसे। सुनाओ पापा। हाँ पहले सहेली से पूछ लो, कहीं दुखी तो ना लगे। ठीक है, अरे वो सहेली बोलो। देखो क्या हम जीजा जी से कुछ बातें करें? हाँ जाओ, क्योंकि करो क्योंकि जा बातें करो, तोरे सबसे वैसे जरूरी है कि हाय रचे पर हाय लो पहले होता बड़ा बातें करें उससे। हाँ जाओ। ठीक है, पर दिमाग खराब है। ओ जिनकी आगे जी, ओ जिनके पीछे जी, ओ जिनके आगे पीछे जी, कहाँ सारा है महाराज?
सोमवार था महाराज सोमवार हाँ सोमवार होने से पहले तो चल गया हो जी महाराज अब तो सोमवार खत्म हो गया थोड़ा सा फिल्म हुआ सोमवार खत्म हो गया जी तो इतना बता दे रानी देवंती किसको गले में जमाना डाली है राजा नल सिंह के गले में डाला है राजा नल जी रानी देवंती का रानी देवंती ओ तो चल गई विदा होकर महाराज राजा नल का सा जी आधे रास्ता पहुंच गया होगा तो तुमको किधर जाना है तुमको किधर जाना है महाराज हम तो अब सोमवार से अब जा रहे हैं किधर किधर जा रहे बोल रहे हैं किधर जा रहे कौन रास्ता से जा रहे जी जाओ राजा ने तो सात देवंती चली थोड़ा सा फिल्म हुआ समर खत्म कर दवा दिया नहीं राजा नल जयमाला तुम्हें देना होगा यदि जयमाला नहीं देते हो तो बहुत पछताओगे तुम राजा नहीं रहोगे मैं वही सनी हूं मैं ही काला देव पीछा नहीं छोड़ भैया के बिना मुझे मन नहीं लग रहा है मेरा भी मन नहीं लग रहा है भैया कहाँ चले गए ऐसा करते हैं आज भर भैया को देख लेते हैं कल मैं और तुम भैया को खोजने के लिए चलेंगे ऐसा कर चल मेरे लिए खाना निकाल दे ठीक है चलिए मास्टर बहादुर काय टूटा करता है आवाज नहीं मालिक है आवाज तुम में आवाज नहीं है हेलो हाँ नहीं आवाज सुना ये बताओ तो भूषण कहाँ है मालिक तो क्लास करते हैं क्लास करके क्या भी आए हैं अब ये बताओ जिस समय से क्लास करने के लिए जाता है कि नहीं एक डेली क्लास डेली जाते हैं मालिक अच्छा जी अच्छा से पढ़ाई लिखाई भोजन उजन हाँ अभी तो नाश्ता बना कर मालिक को खिला रहे अच्छा क्या बोला के मालिक के ना बोला आ गए मालिक क्या हुआ हाँ आ गए क्या भैया आ गए चलो बताऊं से प्रणाम भैया खुश रहो भाई भैया आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ से भैया अरे सुनाओ क्या कहना चाहता है
शक्ति देवंती का दिया हुआ है। दुर्गा आप शादी करते हैं भैया? हाँ भूषण, तो मैं भी तो देखूं मेरी भाभी कैसी है। अभी देखना चाहता है? क्यों नहीं, घबराओ नहीं, मैं भी देखता हूँ। तुमसे बताया था एक छोटा भाई भूषण है, आज तुमसे मुलाकात करना चाहता है। भूषण हाँ भैया, एक तुम्हारा भाभी है, इससे बातचीत कराओ जब तक मैं बगले की बात जाता हूँ। ठीक है भैया, खुश रहो। महारानी जाके इससे बातचीत करो, मैं चल रहा हूँ बगले के पास। भाभी देवल जी पूरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अभी आज सुबह भी मैं तुमको माँ के तरह मानूंगा, तुम मुझे बेटा के तरह मानना भाभी। देवजी मैं तुम्हें बेटा की तरह मानूंगी, तुम भी माँ की तरह मानना। कसम से कसम से भाभी सुनी के आयो रे लीला।
साला मर जाएगा। भाभी अब चलिए, अब मैं चाचा अब अपना ख्याल रखना, मैं अपने कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। द्वारपाल चल मुझे कॉलेज छोड़ दे, चल मुझे छोड़ दे, चल चलता हूँ इसी मोड़ पर है। यार ये मैं क्या दिख रहा हूँ? खबर आ रही है यार, मैं कल्टू का दर्दा सलीम कला देव हूँ। अच्छा, तुमसे मेरा एक सवाल है। क्या हमसे? हाँ तुमसे। ठीक है सुनाइए। पूछ रहे हैं, आइए शकर का नाम क्या है इतना बता दो। मुझे घर नालागढ़ शहर है। अच्छा, और पिताजी का नाम लोग नरसिंह सिंह कहता है, और माता जी का नाम मंझावती कहता है, और छोटा भाई का नाम लोग भूषण सिंह कहता है। मेरा नाम ये संसार के लोग कहता है। तो नारा लाल के रहने वाला राजा नल सिंह, राजा लाल तुम ही हो है? तब तुम राजा हो। आखिर बात क्या है कि इसलिए आप रास्ता रोक चुके हैं।